श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर भाजपा युवा मोर्चा सोलन मंडल द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पूर्व भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं इस मौके पर खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया विशेष रूप से उपस्थित रहे। सोलन के अस्पताल में रक्त की कमी को पूरा करने के लिए भाजयुमो कार्यकर्ता ने रक्तदान कर रक्त की कमी को पूरा करने का जिम्मा उठाया और रक्तदान शिविर में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर जहां एक ओर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई, वहीं युवाओं को उनकी विचारधारा से अवगत भी करवाया गया। नाहन के विधायक और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इस मौके पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती सोलन में धूमधाम से मनाई जा रही है, जिसमें आज रक्तदान शिविर का आयोजन कर भाजयुमो सोलन मंडी सामाजिक दायित्व को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सबसे कम उम्र में सर्वाधिक शिक्षा हासिल की थी और उन्होंने वैचारिक विभिन्नता के कारण मंत्री पद त्याग दिया और संघ की स्थापना की थी। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 का विरोध किया। वह बंगाल की राजनीति में क्रांति लाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने बंगाल और देश के विभाजन का हमेशा विरोध किया। उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, इसलिए आज उन्हें भाजपा कार्यकर्ता पूरे देश में याद कर रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसा नाम जो अपने जीवन का सबसे कम आयु का सर्वाधिक शिक्षित व्यक्तित्व और बंगाल के राजनीतिक सामाजिक जीवन की सबसे बड़ी प्रतिभा के रूप में जो उभरा, गांधी जी के आग्रह पर जिन्हें नेहरू जी ने अदर देन कांग्रेस मिनिस्टर के रूप में लिया और वैचारिक भिन्नता के कारण जिन्होंने मंत्रिमंडल से त्याग करके भारतीय जनसंघ की स्थापना की और देश की एकात्मता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व होम कर दिया, अपना जीवन का बलिदान कर दिया। ये कश्मीर हमारा है, ये कश्मीर सारे का सारा है। दो संविधान दो निशान नहीं चलेंगे। इस प्रकार से जो व्यक्ति बंगाल के विभाजन के खिलाफ था, देश के विभाजन के खिलाफ था, ऐसा वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक बना। आज उनका जन्म दिवस है। भारतीय जनता पार्टी सोलन मंडल, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा सोलन और उन्होंने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। हम युवा मोर्चा को बधाई देते हैं और युवा मोर्चा इस संबंध में जो एक कार्यक्रम कर रहा है उसके लिए हम उसको बधाई देते हैं। भारत अगर जे आज धारा 370 हटी है, आज 325 हटी 53 ए हटी है, तो उसके पीछे अगर किसी व्यक्ति का बलिदान है तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। और भारत की आवाज़ दुनिया के अंदर तभी बुलंद हुई जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया। तो देश की अखंडता और एकता के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी ने, अमित शाह जी ने उनके नक्शे कदमों पर काम करते हुए कश्मीर को पुनः पूरी तरह भारत का अभिन्न अंग बनाते हुए भारत की एकात्मता को सुदृढ़ किया।